गाड़ी में हम दोस्तों नहीं जा रहे हैं, कुछ गाड़ी के लिए मैंने एयर फ्रेशनर और टिश्यू पेपर ख़त्म होते हैं गाड़ी में, वो रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं वापस बाइक पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम जा रहे हैं शांति स्तूपा और वेदर भी ज़्यादा खास तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, लेकिन धूप नहीं निकली हुई है। बस काफ़ी सारी जगह थी जो मैं सोच रहा था जाने के लिए, बट जो ये शांति स्तूपा ये मैंने देखा भी नहीं हुआ है और फोटोज़ भी देखी थी मैंने नेट पे, काफ़ी अच्छी फोटो डाली, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर ही घूम के आया था आज। बाइक का बस यही फायदा है कि कहीं से भी करके निकल जाती है, बस गाड़ी में तो अटक जाते हैं, लेकिन बाइक पे अभी एक रिस्क है कि क्लाउडी वेदर हो रहा है और बारिश भी आ सकती है, और ये फोन वोन मेरा संभाल रखा हुआ है, भीग ना जाएगी। बाकी सब ठीक है, देखते हैं अगर बारिश आएगी तो सह लेंगे थोड़ा। और ये मोतीबाग फ्लाई ओवर है, यहाँ से राइट लेके हमको जाना है स्ट्रेट। और यहाँ पे दोबारा से देखो, मैं फ्लाई ओवर से नीचे उतर रहा और सामने देखो स्पीड मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है। मतलब नीचे उतरते टाइम तो वैसे ही यार स्पीड इतनी ज़्यादा रहे, और 50 के ऊपर जैसी आपकी स्पीड हुई तो आ जाएगा 2 किलोमीटर चला। मतलब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, कहाँ जाओगे यार इतना पैसा कमा के, गरीब की बदुआ लगेगी। अरे अब ये क्यों रोक रहा है भाई मुझे? नहीं, मुझे नहीं रोक रहा, एक बार को तो फट गई थी भाई साहब। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये हुमायूं स्टोन, ये सामने वाला नहीं वो पीछे वाला। अरे एरो से दिखाओ भाई, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अरे तेरे सुबह सुबह क्या हो रखा है भाई, हाँ एक्सीडेंट कर दिया यार, रोहित शेट्टी की फिल्म की शूटिंग चल रही है शायद। मतलब हद है यार, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है इतनी तेज गाड़ी चला है। देखो इसकी वजह से पूरा पीछे जाम लग गया, बहुत लंबा जाम लगा। तो फाइनली पहुंच ही गए हैं थोड़ा सा भीग भाग के, जैसे भी रास्ते में थोड़ी सी बारिश आ गई थी। और ये यहाँ की पार्किंग, अपनी बाइक खड़ी करते हैं और चलते हैं अंदर। तो ये है इसका एंट्रेंस, बेसिकली जो ये इंद्रप्रस्थ पार्क है यानी कि आईपी पार्क, उसके अंदर ये शांति स्तूप बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों पहुंच तो गया हूं मैं शांति स्तूप पे, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ है उसकी वजह से वहां पे अंदर तो नहीं जाने दे रहे, बट मैंने आसपास में घूमकर शॉर्ट्स ले लिए जो मेरे को लेने थे। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली अबाउट पीस, वो शांति फैलाने में विश्वास रखता है। ये शांति स्तूप जो बनाया हुआ है दोस्तों, ऐसे इंडिया में 7 और बनाए हुए हैं, बाकी कौन सी जगह पर मैं घर से पढ़ के तो आया था लेकिन अब भूल गया हूँ, आप गूगल कर लेना उसको। बौद्ध धर्म ने पीस यानी कि शांति के प्रचार प्रसार के लिए स्तूप बनाया हुआ है। तो चलिए जो मैंने शॉर्ट्स लिए वो आपको दिखाता हूँ अब मैं।
यहाँ ऊपर चढ़ा हूँ अभी मैं वीडियो बनाने के लिए, अंदर तो जाने नहीं दे रहे इसलिए। और यहाँ चढ़ा था मैं ऊपर, सो दैट इज इट फॉर टुडे। पार्किंग वाले के पैसे देते हैं, बाइक निकालते हैं और चलते हैं यहाँ से। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।